The next question is question number 11. This question is also coming from the chapter Environmental Issue. This question is, this stratosphere, which of the following element act as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? First of all, we should know ki what is stratosphere. Stratosphere is the layer of atmosphere jahan par kya present hai, where ozone is found. ओजोन क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओजोन डिग्रेड कैसे होता है. दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग O3 फॉर्म टू O2 फॉर्म, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. तो दिस रिएक्शन इज ब्रॉट बाय व्हाट? दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय क्लोरीन. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी क्लोरीन. Okay, so the next question we have with us, question number 12th. It's a very small question. It's about niche. What is niche? Niche hota kya hai? So we should know that niche is an area where an organism performs its functional, any functional type of, jo bhi wo functional apni activities perform karna cha raha, it will be performing all those functional activities there. What functional activities? These functional activities can be reproduction. The most important activity performed by an organism in its niche is reproduction. So here the answer of the question will be, जैसे कि मैंने कहा functional activity perform करना है, तो answer of the question will be 4. The niche is a functional role played by an organism where it lives. The next question we have with us, that's question number 13. Which of the following is a secondary pollutant? हम जब secondary pollutants की बारे में बात करते हैं, तो secondary pollutants क्या है? Which will be formed by the activity of प्राइमरी पॉल्यूटेंट. तो यह प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, अगर हम बात करें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा गिवन है, दैट इज ओजोन. ओजोन इज फॉर्म बाय द एक्टिविटीज ऑफ सम ग्रीन हाउस गैसेज हियर. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ओजोन. ओजोन एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है? जब नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, दैट्स वाई देयर ओजोन विल बी फॉर्म. इट्स गुड फॉर अस, बट एट प्रेजेंट ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस. तो गैस तो ये टॉक्सिक है, तो इट्स अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. स्ट्रेटोस्फीयर तक ये काम करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, बट अगर नीचे ओजोन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, तो इट विल बी टॉक्सिक फॉर अस एंड इट विल बी अ कंसीडर्ड एज एन पॉल्यूटेंट. तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 4th, O3, ओजोन. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट नंबर 1, हॉस्टेल इज अ जिम्नोस्पर्म. नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे जो हॉस्टेल्स है वो जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते. देन सेलेजनीला इज एन हेट्रोस्पोरस वाइल सेलेमिया इज एन होमोस्पोरस. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा नहीं है. द फोर्थ स्टेटमेंट इज स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिट्रस. ऐसा भी नहीं होता है, यहाँ पे अनब्रांच नहीं, एक्चुअली ब्रांच्ड होते हैं. द थर्ड स्टेटमेंट इज ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Why that is correct? Because हम जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ आर सीड प्रोड्यूसिंग. बोथ क्या करते हैं? सीड का प्रोडक्शन करते हैं. बट होता क्या है, इन एंजियोस्पर्म जो ओव्यूल है दैट विल बी इंक्लोज इन एन ओवरी, वाइल इन जिम्नोस्पर्म द ओवरी इज, जो ओवरी है अंदर ओव्यूल को इंक्लोज नहीं करती है. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 3rd, दैट ओव्यूल आर नॉट इंक्लोज बाय एन ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, न्यूमेटोफोर्स किन में अकर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए न्यूमेटोफोर्स होते क्या है. ये एक अडाप्टेशन है, अडाप्टेशन मेड बाई दोज प्लांट्स जो ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं. वाई? दीज आर एक्चुअली रूट्स. न्यूमेटोफोर्स आर एक्चुअली रूट्स. एंड वॉट टाइप्स ऑफ रूट? दीज आर द रेस्पायरेटरी रूट्स. दे आर फाउंड इन दोज प्लांट्स विच आर ग्रोन इन अ लार्ज और अ हाई सॉल्ट कंटेंट. और यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट में ग्रो होने वाले ट्रीज कौन से हैं? दे विल बी हेलोफाइट्स. द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन आर हेलोफाइट्स. तो दीज हैव दीज टाइप्स ऑफ रूट्स विच आर प्रोटेक्टिंग अबाउट द ग्राउंड लेवल, अबाउट द वॉटर लेवल. जहाँ पर ये ऊपर क्यों आए हैं? टू गेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट.